नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल चार्ज फेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी और हमें दिया हुआ है कि डी इज वेरी वेरी लेस देन आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है एल से अपार्ट डी अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन उसके बाद सिचुएशन ये है कि द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्वेयर एट अ रेट एज अ रिजल्ट द स्वेयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी हमें ये बताना है कि v वेरीज विद द फंक्शन ऑफ डिस विद द फंक्शन ऑफ़ द डिस्टेंस x बिटवीन द टू स्फेस एज और ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट x, v इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय x या v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x या v इज प्रोपोर्शनल टू x. नाउ बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल है ऐसे चीज़ें जो हैं ये हम क्लास में यूज करते आ, क्लास में पढ़ते हैं इनको सॉल्व करते हैं और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को इस तरह के सवाल सॉल्व करने आना चाहिए इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना uh, सवाल की पहले सिचुएशन समझते हैं सिचुएशन ये है कि दो चार्जेस हैं उनको आपने पॉजिटिव uh, चार्ज दिया है और वो म्यूचुअल रिपल्शन uh, की वजह से दोनों की लेंथ एल है यहाँ पे आपका ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है डी की दूरी पे है नाओ अब यहाँ पे आपका जो चार्ज है दोनों का लीक होने लगा है और लीक होने की वजह से ये चार्ज इधर मूव करेगा ये चार्ज इधर मूव करेगा और इनके मूव करने की वेलोसिटी है वो हमें बताना है कि x की किस पावर के प्रोपोर्शनल होएगी वो इस वेलोसिटी और x के बीच में क्या रिलेशन है और ये x उनके बीच का डिस्टेंस है अगेन इसको हम छोटा मान सकते हैं हमें कंडीशन दी हुई है कि आपका d जो है वो लेंथ से बहुत छोटा है इनिशियल डिस्टेंस तो x भी आपका बहुत छोटा होएगा हालाइट ये हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं अपने को जो गिवन है वो है कि डी क्यू बाई डी टी इज़ कॉन्स्टेंट डी क्यू बाई डी टी क्या है कि इसके ऊपर जो चार्ज क्यू है इसके ऊपर जो चार्ज क्यूँ है वो जो कम हो रहा है चार्ज वो जो चार्ज लीक कर रहा है वो उसकी वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट दी हुई है ना अगेन uh, इस सवाल में हमें यहाँ पे एन एल एम के कॉन्सेप्ट लगा के इक्वेशन लिखनी है तो पहले तो यहाँ पे नीचे ऑलैंड uh, right, इस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपके दो जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे उसकी वैल्यू अगर आप इसका एफ बी डी बनाएं तो नीचे फोर्स लगेगा एम जी और ये एंगल मान लीजिए थीटा है ये एंगल थीटा है इधर डायरेक्शन टेंशन की है सो so यहाँ पे आपका जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी आपकी पहली इक्वेशन हो गई दूसरी इक्वेशन इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इधर आपका एफ ई रहेगा और वो एफ ई जो होगा वो टी साइन थीटा के बराबर होएगा टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई और एफ ई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस इस वक्त टू एक्स है उसका स्क्वायर लाइक तो ये आपका डिस्टेंस एक्स है यहाँ पे तो इसको एक्स मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है इसी एक्स की प्रोपोर्शनलिटी दिखानी है तो एक्स बाय टू एक्स बाय टू हो गया तो ये आपका फोर्स ये सेकेंड इक्वेशन हो गई ना इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन वन सो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर टी की सुपारी हो जाएगी टी कैंसिल हो जाएगा अपने को मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉ सीटा यानी कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू दिस डिड बाय दिस तो यह आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर यह आपका टेन थीटा की वैल्यू हो गई ना ये बात अपने को पता है कि क्योंकि एंगल बहुत एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा और इट कैन बी रिटर्न एज सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एल सो यह आपका एक्स डिवाइडेड बाय एल या फिर एक्स एक्स बाय टू एल तो ये आपका एक्स बाय टू हो गया या एक्स बाय टू हो गया तो एक्स बाय टू डिवाइड बाय एल ये आपके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वायर एक परिवार के लोग एक साथ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर को दल लाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई टू एल क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक काम करते हैं एम जी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसको मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब हो जाएगा ना अगर हम इसको क्यू की वैल्यू लिखने लगे तो अपनी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एम जी डिवाइड बाई टू के एल का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू ठीक है अब अगर इसको पकड़ के हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी क्यू डिवाइड बाई डी टी विल बीकअल टू ये तो आपका कॉन्स्टेंट है एम जी डिवाइडेड बाय टू के एल मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन आएगा थ्री बाय टू एक्स टू दी पावर वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी टी ना डी एक्स बाय डी टी जो है ये अपने को पता है ये आपकी वेलोसिटी होगी कि आपका एक्स कैसे चेंज हो रहा है सो दिस विल बी कॉल्ड द वेलोसिटी और लेफ्ट हैंड साइड पर हमें पता है डी क्यू डी टी हमें कॉन्स्टेंट दिया हुआ है सो so, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं आपका uh, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं सो so, ये आ गया आपका डी क्यू डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई इस सारी चीज़ को ये थ्री बाय टू होना चाहिए थ्री बाय टू इस सब चीज़ों को लेट से कोई हम कॉन्स्टेंट सी कह देते हैं सो विल बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी सो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड कॉन्स्टेंट है एम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि वी विल बी प्रोपोर्शनल टू वन बाय रू टैक्स तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाएगी इसको हम डिवाइड कर देंगे सो so, v इज़ प्रपोजल टू वन बाई रूट एक्स नाउ इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दो चीज़ें पहली बात तो हमें अच्छे सवाल प्रैक्टिस होने चाहिए नीट के एग्ज़ाम में आजकल अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला के सवाल आज से 20 साल 30 साल पहले पूछे जाते थे लेकिन अब ये बात इस ये सवाल इस बात का गवाह है कि अच्छे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए दूसरा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर